सो हेलो गाइस, आज बात करते हैं मोटोरोला के एलईडी टीवीज़ के बारे में जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं इंडियन मार्केट में। एक नहीं, यहाँ पे 6 एलईडी लॉन्च करे हैं अलग अलग साइज़ वेरिएंट में। तो ये सभी जो टीवी हैं ये एंड्रॉयड 9 पे बेस्ड हैं और ये प्ले स्टोर को सपोर्ट करते हैं, जिनसे आप सभी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में ये आते हैं 16 GB स्टोरेज के साथ में, जिसमें 2.25 GB का आपको रैम मिलता है और 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। प्रोसेसर इसमें आता है माली 450 GPU। फ्रंट फेसिंग इसमें 30 W के स्पीकर्स दिए हुए हैं जो सपोर्ट करते हैं डॉल्बी एटम्स और मोटोरोला एमपी साउंड सिस्टम को। और अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो इसके साथ आपको मिलता है एक वायरलेस एंड्रॉयड टीवी गेम पैड, जिसके थ्रू आप गेम्स खेल सकते हो। ये अभी तक किसी भी टीवी के साथ नहीं आया। साथ में ये आता है इसका रिमोट, जिसके थ्रू आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का सर्च बटन आपको यहीं पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर मिल जाएगा, जिससे आप सारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों से आप कनेक्ट कर सकते हो, दोनों को सपोर्ट करता है। प्लस अल्ट्रा HD सपोर्ट के साथ आता है, HDR10 सपोर्ट करता है, जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत सारे ब्राइट कलर्स आपको मिलेंगे। इसमें कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें 2 USB और 2 HDMI पोर्ट मिलेंगे और साथ में TV आउटपुट। इंडियन मार्केट में प्राइस स्टार्ट होता है इसका 13999 से, जो 32 इंच का टीवी है, और बाकी वेरिएंट्स जो हैं वो 43 इंच के 25,000, 43 इंच अल्ट्रा HD 30,000, 50 इंच अल्ट्रा HD वो स्टार्ट होता है 34,000 से, और इसके बाद आता है 55 इंच, वो स्टार्ट होता है 39,000 से, और 65 इंच का है 65,000 से। सो वीडियो कैसी लगी गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो।